स्टूडेंट्स वेलकम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिपास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर है मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स पढ़ेंगे हम। रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे क्योंकि डिफरेंसेस भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आपको आना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो आया है वर्ड वो मैकेनिक्स की ब्रांच से आया है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हर वो चीज़ जो हरकत कर रही है, ठीक है, जो बेजान चीज़ जो हरकत कर रही है उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंखा है, वो मोशन कर रहा है, मतलब हरकत कर रहा है। मोशन का मतलब भी फिजिक्स में होता है हरकत, ठीक है, मतलब मूवमेंट। तो पंखा है जो हमारा, ठीक है, फैन है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो भी मैकेनिक्स में आता है। जो हमारे पानी की मोटर्स होती है वो भी चल रही होती है, वो भी मोशन कर रही होती है, वो भी मैकेनिक्स में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम विंडो ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, वो भी मैकेनिक्स में आती है। इस चीज़ को हम उठाते हैं, वो भी मैकेनिक्स में आती है। ठीक है, अब मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया काइनेमेटिक्स में और दूसरा कर दिया डायनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉज मोशन। हम सिर्फ काइनेमेटिक्स में ये पढ़ते हैं कि मोशन क्या हो रही है, ये नहीं पढ़ते कि मोशन किस वजह से हो रही है, उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये सब हम नहीं पढ़ते। बस हम ये पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, तो उसको हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चल रही होती है तो उसका चलना क्या है? मोशन है, हरकत है वो, लेकिन हम ये नहीं सोचते वो चल किस तरह से रही है, क्या उसमें कोई पेट्रोल लग रहा है, कोई फ्यूल लग रहा है एज अ फोर्स के तौर पर, वो हम सब नहीं पढ़ते। सिर्फ ये पढ़ते हैं कि क्या वो हरकत कर रही है, तो उसको हम काइनेमेटिक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स द साइंस ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज एंड द एक्शन ऑफ फोर्स इन प्रोड्यूसिंग और चेंजिंग देयर मोशन। मोशन हम ये पढ़ते हैं कि कोई बॉडी जो है हरकत कर रही है, मोशन ऑफ बॉडी एंड द एक्शन ऑफ फोर्स। अब उस वो बॉडी जो है वो हरकत कर रही है तो वो किस तरह से हरकत कर रही है, क्या उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, क्या वो फोर्स उसको हेल्प कर रही है मोशन करने में, तो ये सब हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है कि एक आदमी जो है पिछले ज़माने में, इसको हम कहते हैं बाला, ठीक है, ये जो है आगे से नोकदार होता है, इसको हम एज अ वेपन हथियार के तौर पर यूज़ करते थे जंगों में। ये क्या कर रहा है? फेंक रहा है ये। अब जो भाला है या जो भी हम जिसको ये डंडा या जो भी हम कहेंगे, ठीक है, स्टैंड, ये हरकत करेगा, ठीक है, उस तरफ, मगर ये हरकत किस तरह से कर रहा है? इस तरह से कर रहा है कि ये आदमी जो है इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी इसमें ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है वो इस आदमी की जो है ताकत जो लग रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फ़र्क है? काइनेमेटिक्स में हम किसी भी फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि वो बॉडी हरकत कर रही है तो इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं रेस्ट। अब जो है, अब मोशन और इस सब में हम पढ़ते हैं रेस्ट। रेस्ट क्या चीज़ है? रेस्ट हम कहते हैं कोई भी चीज़ बिल्कुल रेस्ट में है, मतलब हालत सुकून में है, मतलब कोई हरकत नहीं कर रही। अब बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद इट्स सराउंडिंग। कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है अगर वो क्या कर रही है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो एक बुक है अगर वो टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है, वो जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, मैं उसको उठाऊंगी नहीं, तो वो वहीं पर पड़ी रहेगी, तो वो जो वहीं पर पड़ी रही है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हर वो चीज़ जो अपनी हरकत में हो, ठीक है, मतलब हर वो चीज़ जो अपनी पोजीशन बार चेंज कर रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन। फॉर एग्जांपल, ये पिक्चर में दिखाया गया है, रेस्ट क्या है? जिस तरह से ये ट्री जो है ज़मीन पर लगा हुआ होता है, कोई हरकत नहीं करता, ये तो ये रेस्ट है। जिस तरह से हमारे घर जो होते हैं वो रेस्ट में ही होते हैं, कोई हरकत नहीं
ऐसा तो नहीं होता कहीं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए हमारे घर, ऐसा तो नहीं होता, तो वो रेस्ट में होते हैं। लेकिन मोशन क्या है, ये आदमी हरकत कर रहा है, चल रहा है, तो ये मोशन है। ये परिंदा उड़ रहा है, ये भी मोशन है। ठीक है, तो मोशन समझ में आ गया। अगर पोजिशन चेंज होगी तो मोशन, अगर पोजिशन चेंज नहीं होगी तो रेस्ट। अब मोशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, रेस्ट तो रेस्ट होता है लेकिन मोशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स कितनी है मोशन की? 3 टाइप्स है मोशन की, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी और रोटेटरी। ट्रांसलेटरी जो है उसके अंदर और मजीद इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मोशन जो है इसका क्वेश्चन शॉर्ट में अक्सर 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 आता रहता है। ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मोशन का, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लें। बहुत ही सिंपल करके मैंने लिखा है, आप लोगों को समझ भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसलेटरी। When all point of a moving body move uniformly along the same line, such motion is called translatory motion. अगर कोई भी body हरकत कर रही है, ठीक है, एक ही line में, मतलब for example, जिस तरह से मैं आप लोगों को example दे दूँ, मतलब कि जिस तरह से कोई भी बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। कैसे तब्दीली नहीं आ रही? कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक जो है ना बाइक जो है, बाइक एक बाइसाइकिल वाला जो है वो बाइक चला रहा है, ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा चला रहा है बगैर अपनी स्पीड को इंक्रीज किए, तो वो कौन सी मोशन होगी उसकी? ट्रांसलेटरी। लेकिन जब उसने स्पीड इंक्रीज कर दी, अब उसमें कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेटरी में कौन कौन सी आ जाती है? जिस तरह से लीनियर मोशन, जिस तरह से ये लड़की जो है बॉल फेंक रही है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में इस दूसरे आदमी की तरफ, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधे। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई भी बॉडी जो है अगर सीधी लाइन में मोशन कर रही है, जिस तरह से अगर गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है, कोई टर्न नहीं ले रही, वो भी लीनियर मोशन है। अगर ये बॉल फेंक रही है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में, ये भी लीनियर मोशन है। अगर कोई किसी हम बिल्डिंग से कोई बॉल फेंक रहे हैं बिल्कुल सीधे, बिल्कुल इस तरह से नहीं फेंक रहे, कर्व नहीं आ रहा, बिल्कुल हम उसको सीधा से छोड़ देंगे, तो वो भी लीनियर मोशन है। ठीक है, जो भी चीज़, कोई भी बॉडी जो सीधी हरकत कर रही है सीधी लाइन में, उसको हम कहते हैं लीनियर। सर्कुलर मतलब जो कोई भी बॉडी किसी सर्कल में मूव करे, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में हरकत करे उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जिस तरह से हमारी फॉर एग्जाम्पल पंखा है, पंखा जो होता है, फैन जो होता है, वो क्या कर रहा है? वो भी सर्कुलर मोशन दे रहा है। ठीक है, जो हमारे सैयारे हैं, देखो ये चांद की तरफ बिल्कुल एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा हमारे जो किसी भी बाइक के या फिर कार के व्हील्स जो होते हैं, ठीक है, उसके जो पहिए होते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब ही होता है इरेगुलर, मतलब किसी रेगुलर, किसी सीधी या तरीके से किसी पाथ में नहीं मूव हो, अजीब से पाथ में, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं हो, कभी यहाँ जा रही है कभी वहाँ जा रही है। ठीक है, जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ हरकत कर रहे हैं, देखिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी सीधा जा रहा है तो टर्न कर दिया, फिर टर्न करते हुए कहीं यहाँ से टकराया फिर वहाँ चला गया, तो इरेगुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। हमने ट्रांसलेटरी पूरी कंप्लीट कर दी, अब है रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस व्हिच पास थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटरी मोशन। ये रोटेटरी जो है सर्कुलर मोशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। ये फर्क है कि जब भी आप लोगों को सर्कुलर रोटेटरी समझ नहीं आए, तो ये फर्क है कि अगर वो बॉडी अपने ही एक्सिस में, जिस तरह से पंखा है, ठीक है, वो कहीं वहाँ वहाँ नहीं जा रहा, वो एक ही जगह पे खड़े हो कि उसके अपने ही गिर्द जो है उसके जो फैन के जो होते हैं ना, वो उसके गिर्द ही मूव कर रहे होते हैं, तो ये रोटेटरी है, सर्कुलर नहीं है। ठीक है, जिस तरह से ये जो है हम बचपन में लट्टू चलाते थे, ये क्या है? ये उसकी पिन जो है ज़मीन पर ही रखी हुई होती है, वो अपने ही एक्सिस में मूव कर रहा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये भी रोटेटरी है। जिस तरह से बहुत ही मशहूर जो है ये क्या है, ये जिसको हम झूला कहते हैं, ठीक है, ये है, इसका क्या है? इसका एक एंड जो है वो फिक्स है, बिल्कुल बीच का जो सेंटर है वो फिक्स है, और बाकी जो है वो अपने ही सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये रोटेटरी है। ये आदमी क्या है, अब एक ही इसकी टांग जो है वो फिक्स जगह पे है, लेकिन दूसरी टांग से ये और हाथों से ये मूव कर रहा है, ये भी रोटेटरी है। बॉल को अगर हम देखते हैं एक जगह पे रख के घुमा देते हैं, तो वो भी क्या है? रोटेटरी है, अपने ही एक्सिस में वो मूव कर रहा है।
वाइब्रेटरी क्या होती है? वाइब्रेटरी का मतलब वाइब्रेशन, जिस तरह से हम कहते हैं ना मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मोबाइल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, मतलब अपने आगे और पीछे हरकत कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, हर वो मूवमेंट जो अपने आगे के पहले आगे की तरफ मूव करे फिर पीछे की तरफ मूव करे उसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अपनी ही मेन पोजीशन, अपनी ही असल पोजीशन से पहले आगे जाए फिर पीछे जाए, जिस तरह से हम गिटार बजाते हैं, गिटार की जब हम स्ट्रिंग्स को हिलाते हैं तो स्ट्रिंग इसके मेन पॉइंट से पहले आगे फिर पीछे जाते हैं, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी। मोबाइल जो है वाइब्रेट करता है तब वो पहले आगे जाता है फिर थोड़ा सा पीछे, लेकिन हमें वो माइन्यूट सा नज़र नहीं आता, लेकिन गिटार वगैरह में हमें साफ नज़र आता है। जिस तरह से पुराने ज़माने में एक घड़ी आती थी पेंडुलम वाली, ठीक है, उस वो क्या करती थी उसमें इस तरह से वो उसकी वो लगी हुई होती थी, पहले वो आगे मुख पड़ती है फिर पीछे, ठीक है। ये जो है ना इसकी इस तरह से डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं और डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस में आप लोगों को तीन तीन पॉइंट्स बता देती हूँ। ट्रांसलेटरी क्या है? ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव करें, ठीक है, आप बॉडी मूव अलोंग द स्ट्रेट पाथ। रोटेटरी मतलब स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस। और वाइब्रेटरी क्या है? आगे और पीछे बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट। मूवमेंट सेकेंड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसलेटरी में क्या है? बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हरकत हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रोटेटरी में वो अपने ही एक्सिस में घूम रही है तो वो उसकी कोई पोजिशन चेंज नहीं होगी। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट फिक्स पोजिशन, फिक्स पॉइंट पर ही होगी, कहीं दूसरी जगह पर हरकत नहीं कर रही होगी। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट है, ठीक है, इसमें बॉडी हरकत करेगी लेकिन कम्प्लीटली दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो जाएगी, पहले अप होगी मतलब ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ आएगी, लेकिन रोटेटरी में फिक्स पोजीशन होगी। थर्ड पॉइंट है बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें जो है ना कोई भी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाएगी तो ट्रांसलेटरी नहीं होगी। जिस तरह से मैंने बताया था कि एक बाईसाइकिल वाला बाइक चला रहा है, अगर वो अपने स्पीड को इंक्रीज कर देगा तो ट्रांसलेटरी नहीं होगा। इसमें क्या है? इट फॉलो सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। इसमें क्या है? मोशन ऑफ बॉडी गेट रिपीटेड, इसमें बार बार जो एक ही मोशन है वो रिपीट हो रहा होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी जो आज मैंने लेक्चर डिस्कस किया है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। बहुत ही ईजी करके मैंने लिखे हैं, 5 पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग इसमें से इसको अच्छे से याद कर लें, बहुत ही ईजी है लिखे हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब इस तरह से क्या है, डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी बॉडी का यहाँ से वहाँ हरकत कर देना, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर देना, इसको डिस्टेंस कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हैच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि हम शॉर्ट, जिस तरह से मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से गार्डन की तरफ जाना है, ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं यहाँ से गार्डन की तरफ जाने के लिए कोई शॉर्ट तरीका निकालती हूँ, कोई शॉर्टकट निकालती हूँ, तो वो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल डीएचई की तरफ जाती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं मतलब सीधी डायरेक्शन में जा रही हूँ तो वो मेरा डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं वहीं डीएचई जाने के लिए कोई शॉर्टकट निकालती हूँ रैंडम मूवमेंट करके, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस इज स्केलर क्वान्टिटी, मतलब इसमें कोई वो नहीं होता, डायरेक्शन का इसमें कोई नहीं है, बिल्कुल सीधा जाना है हमें, बिल्कुल सीधा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है? ये वेक्टर क्वान्टिटी है, इसमें हमारी डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू वी टी, एस जो बराबर है डिस्टेंस के, वी वेलोसिटी के और टी टाइम के। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी से शो करते हैं और उसमें वी को मल्टीप्लाई करते हैं डी से, ठीक है। ऐसा यूनिट जो हमारा ग्लोबली जो यूनिट इसका होता है वो मीटर होता है डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है? मीटर ही होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।